एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जो दो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उनके जरिए उनके आगे हमने एक रिपोर्ट रखी ताकि पूरी खबर आप समझ लें। लेकिन इस बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आज ही हटाया जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। अमेरिका के 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को आज ही हटाया जा सकता है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस से कहा है कि 25वें संविधान संशोधन के जरिए ट्रंप को हटाने की प्रक्रिया आज ही शुरू कर दी जाए। मधु भाटिया जा हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़ गई हैं। मधु, क्या आज ही से ट्रंप को हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी? जी, इस तरह की बातें जो हैं वो कैबिनेट मेंबर्स कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 25th अमेंडमेंट को लागू करके किसी भी तरह डोनाल्ड ट्रंप को आज ही हटा दिया जाए या फिर कल हटा दिया जाए। लेकिन 25th अमेंडमेंट को के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों चैम्बर्स में। तो क्या वो 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी, उसका आंकलन फिलहाल लगाया जा रहा है और उसके बाद ही ये कदम उठाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा कदम है कि एक मौजूदा राष्ट्रपति को, जो जिनके सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं अब व्हाइट हाउस में, उनको 25th अमेंडमेंट लागू करके ज़बरदस्ती गद्दी से हटाया जाए। लेकिन उसके लिए उतनी मेजॉरिटी का उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं, इसका आंकलन करना जरूरी है और यही आंकलन फिलहाल कैबिनेट मेंबर्स कर रहे हैं। जी मधु, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। तस्वीरों के जरिए दर्शकों को हम अपडेट भी दे दें कि अभी इस बात पर बहस चल रही है कि आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जाए कि ना बढ़ाया जाए। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा कि केवल 20 दिन का अंतराल, 20 दिन से भी कम का अंतराल अब बचा है। 20 तारीख को तो औपचारिक तौर पर शपथ लेनी ही है जो बाइडेन को, लेकिन इस बीच ट्रंप को क्या ऐसे हटाया जाएगा गद्दी से? इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं। अमेरिकी संसद में ट्रंप समर्थकों के हंगामे के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के कई करीबी भी उनसे नाराज हो गए हैं। खबर है कि ट्रंप की हरकत से नाराज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी आज इस्तीफा देने वाले हैं। इन तीनों से पहले व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफेनिया गैरिशम और सोशल सेक्रेटरी एना क्रिस्टिना अपना पद छोड़ चुकी हैं। तो ट्रंप के इस फैसले के बाद, जिसमें ये बात हो रही है कि ट्रंप को हटाया जाएगा, उसके बाद उनके करीबियों के इस्तीफे देने की बात अब सामने आ रही है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी आज इस्तीफा देने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इन तीनों से पहले हम आपको बता दें, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफेनिया गैरिशम और सोशल सेक्रेटरी एना क्रिस्टिना अपना पद पहले ही छोड़ चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है और लगातार इस संसद की हिंसक प्रदर्शन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के लोग इस्तीफा देने की तैयारी में। अमेरिकी संसद में हुए हमले के बाद संसद के बाहर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। न्यूयॉर्क के मेयर 1000 नेशनल गार्ड्स को संसद की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर की तरफ से आदेश मिलने के बाद 1000 नेशनल गार्ड्स वॉशिंगटन DC जाने वाले हैं। आज ही ट्रंप समर्थक प्रदर्शनकारियों ने जबरन संसद में घुसकर हिंसा की थी। संसद के अंदर और बाहर जमकर बवाल हुआ। इसके बाद वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटल हिल पर कैपिटोल है, जो कि अमेरिकी संसद है, जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई और उसके बाद फिर कांग्रेस के जो की कार्रवाई थी उसको स्थगित किया गया। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन अब एक बार संसद की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड भेजे जा रहे हैं वॉशिंगटन। Those who perform these reprehensible acts cannot be called protesters. No, these were rioters and insurrectionists, goons and thugs, domestic terrorists. They do not represent America. They were a few thousand violent extremists who tried to take over the Capitol building and attack our democracy. ABP News, आपको रखे आगे।